आपकी स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, और मुझे लगता है कि आप लोगों की यार राजनीति में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, तो आप लोगों ने इन्हें जरूर देखा होगा। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय भी रहते हैं और अखिलेश यादव का काफी करीबी भी माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अखिलेश यादव इनकी सलाह पर ही काम करते हैं। आपने 2016 में देखा होगा, मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि शिवपाल पार्टी में एक मुख्य भूमिका में रहे, और आपने देखा होगा कि शिवपाल यादव ये कई बार आरोप भी लगाते रहे कि उन्होंने पार्टी से छोड़ी या उन्हें निकाला गया तो राम गोपाल यादव के कारण। और आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव ने इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, फिर आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव इन्हें पार्टी में ले लिया था, तो काफी विवाद में रहे। इनका नाम है राम गोपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और इनकी अगर हम लोग बात करें तो 29 जून 1946 में इनका जन्म हुआ था, यानी कि जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस समय इनका जन्म होता है। आप सभी जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी ना, और इनके जन्म स्थान की बात करें यानी कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आप देखते हैं कि लोग ऐसा मानते भी हैं कि जो दिल्ली की गद्दी होती है ना, इसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और इसकी राजधानी लखनऊ है। अगर हम लोग रामगोपाल यादव के पिता की बात करें तो स्वर्गीय श्री बच्चीलाल इनके पिता का नाम और श्रीमती फूलवती इनकी माता का नाम था, और जीवन साथी यानी कि पत्नी की बात करें तो फूलन देवी इनकी पत्नी के नाम, दो बच्चे हैं और ये दो बेटे हैं और एक बेटी है इनकी। और इनकी शिक्षा की बात करें तो एमएससी फिजिक्स से किया हुआ है, एमए इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है, पीएचडी भी की हुई है, और आपने देखा होगा कुछ समय तक इन्होंने प्रोफेसर भी रहे, शिक्षक भी रहे यानी कि अध्यापक भी रहे। और इनकी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं आपके समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं समाजवादी पार्टी के। और अगर हम लोग इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो आप देखें कि 1989 से लेकर 1992 तक ये जिला परिषद इटावा के अध्यक्ष रहे थे, फिर आप देखेंगे 1992 में इन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। और आपको बता दूं जो राज्यसभा सदस्य का चुनाव होता ना, ये आपकी विधायकों के द्वारा होता है। और आप कहेंगे कि विधायकों का चुनाव कैसे होता है, तो इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा, और आप सभी लोग देखते होंगे कि आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे, और अगर आप लोगों को विधायक बनना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। और वहीं लोकसभा सदस्य की बात करें तो उसका भी चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, अगर लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए उम्र आपकी कम से कम 25 साल होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे 1994 से लेकर 2006 तक राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता रहे हैं रामगोपाल, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1998 से 2004 के लिए राज्यसभा के सदस्य दूसरा कार्यकाल रहने का रहा है, फिर आप देखेंगे 2004 से लेकर 2008 तक वो 14वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, 2004 से लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में भी रहे हैं, फिर आप देखेंगे 2008 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए तीसरी टर्म के लिए, तीसरा कार्यकाल। फिर आप देखेंगे दिसंबर 2012 से लेकर अक्टूबर 2014 तक संसद की आचार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे, सितंबर 2013 के बाद से राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता भी रहे हैं, और 2014 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में फिर से निर्वाचित हुए थे, इनका यानी कि चौथा कार्यकाल था। फिर आप देखेंगे 2015 के बाद से संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष भी रहे थे, 2017 में समाजवादी पार्टी के महासचिव के रूप में इन्हें चुना गया था, 2020 में आपने देखा होगा कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में फिर से इन्हें निर्वाचित किया गया था, और पांचवा कार्यकाल है इनका ये, ठीक है, और 6 साल के लिए रहते हैं, इनका कार्यकाल 6 साल का रहता है, वहीं विधानसभा लोकसभा का आपका 5 साल का रहता है। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं, डॉक्टर लोहिया का समाजवाद और संसद में
मेरी बात, ये दो पुस्तकों का अभी विमोचन हुआ था इनका। विवाद की बात करें तो आपने देखा होगा कि 30 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन अगले ही दिन आप देखेंगे संवैधानिक आधार पर पार्टी द्वारा निष्कासन रद्द कर दिया गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता था। देखिए अब आप लोग और हम क्या जाने, हमारे आपके सामने तो जो तस्वीरें आती रहती है उसी के हिसाब से हम लोग अंदाजा लगाते रहते हैं कि ऐसा माना गया था कि अखिलेश यादव के एक काफी करीबी माने जाते हैं। और आप देखिए मुलायम सिंह यादव इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वो शिवपाल यादव को काफी चाहते थे, और ऐसा माना भी जाता है देखिए कि शिवपाल यादव का हाथ मुलायम सिंह को बनाने में बहुत बड़ा रहा है। और आप देखिए कि फिर क्या हाल रहा है शिवपाल का, उसके बाद आप देखिए उन्हें पार्टी ही छोड़नी पड़ी। तो यही कहानी है, और शिवपाल के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है, मुलायम सिंह यादव के बारे में भी बात की हुई है, अखिलेश यादव के बारे में भी बात की हुई है, डिंपल यादव के बारे में भी बात की हुई है। तो सभी के बारे में बात करते रहते हैं, जो भी नेता चर्चा में रहता है। अगर आपकी भी किसी नेता को जानने में दिलचस्पी है तो उसका नाम बताया करिएगा, उस पर भी बात करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल आप लोग एंजॉय करते रहिए, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे।